हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। iOS 17 के अपडेट में एप्पल ने एक नया स्टैंड बाय का मोड इंट्रोड्यूस किया है। इसके कुछ एक हिडन फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। आप इसे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो और कस्टम फोटोग्राफ्स आप कैसे सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टैंड बाय मोड को इनेबल करने के लिए आप इन फोर सेटिंग्स को आपको सबसे पहले इनेबल करना है। और यहाँ पर अगर आपको कस्टम फ़ोटोज़ को सेट करना है अपने फ़ोटोज़ में से, तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक अलग अलग एल्बम सबसे पहले क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर एल्बम्स क्रिएट कर रखी हैं, रिसेंट्स, फेवरेट और यहाँ पर इंस्टाग्राम की है, और यहाँ पर कुछ एक व्हाट्सएप की एल्बम क्रिएट हो रखी हैं। तो अब आपको सिंपली करना क्या कि एक नई एल्बम को क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको प्लस पे बटन पे टैप करके न्यू एल्बम पे टैप करना है, और यहाँ पर आपको इस एल्बम का नेम एंटर कर देना है। जैसे कि मैंने इसका नेम एंटर करा है, और इसमें अगर आपको कोई भी फ़ोटोज़ ऐड करनी है और कस्टम फ़ोटोज सेट करनी है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि इसको मैंने ऐड करना है, सेलेक्ट के ऊपर टैप करो, और ये भी मैंने ऐड करनी है अपने स्टैंड बाय मोड में, ये कस्टम फ़ोटोज़ और ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने ऐड करनी है। और यहाँ पर आपको सिंपली ऐड के बटन पे टैप कर देना है, और आपकी एल्बम यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब आपको सिंपली बैक जाना है और अपने डिवाइस को लैंडस्केप मोड में रखना है कुछ इस तरह से। गाइस, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके डिवाइस में स्टैंड बाय मोड जो है वो इनेबल हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टम फोटोग्राफ्स की। उसको सेट करने के लिए सबसे पहले आपको स्वाइप करना पड़ेगा। स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपकी ये फ़ोटोज़ आ जाती हैं लॉक स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपके सामने रिसेंट जो आपने एल्बम्स ऐड करी हैं वो आपको शो करेगा। जो आपने नई एल्बम क्रिएट करी है वो आप कैसे सेट कर सकते हो, यहाँ पर आपको प्लस के बटन पे टैप करना है। यहाँ पर हमने ये नई एल्बम क्रिएट करी थी, तो ये अपने एल्बम में से ये जो फ़ोटो है वो यहाँ पर इसने सेट कर दी है ऑटोमेटिकली। जो भी फ़ोटो टॉप के ऊपर रहेगी आपकी एल्बम में वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगी आपके स्टैंड बाय मोड में। अगर आपको कस्टम फ़ोटोज़ में अलग अलग फ़ोटोज़ को सेट करना है तो इसी तरह से आपको एल्बम्स को क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो फिर ही आप यहाँ पर अपनी मर्जी से जो कोई फ़ोटोज़ आपको सेट करनी है वो आप सेट कर पाओगे। अब आपको सिंपली यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली फ़ोटोज़ जो हैं वो यहाँ पर चेंज होती जा रही हैं। जितनी फ़ोटोज़ आपने ऐड करी थी वो यहाँ पर चेंज होती जा रही हैं कुछ इस तरह से। जैसे आप फिर से लॉक करोगे और यहाँ पर फिर से टैप करोगे, आपका वॉलपेपर यहाँ पर फिर से चेंज हो जाएगा। अगर आप फिर से लॉक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर चेंज होती जाएंगी। अब बात करते हैं इसको कैसे एडिट करना है अपने स्टैंड बाय मोड को iOS 17 के अपडेट में। जैसे कि क्लॉक्स के कलर्स को चेंज करना है तो अगर यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, फेस आईडी को यूज़ करेगा आपका डिवाइस, और यहाँ पर आपको सर्कल के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत से कलर्स की ऑप्शन देखने को मिलती है। ड्यूल कलर्स ऐड करने हैं तो ड्यूल कलर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको और किसी क्लॉक का कलर चेंज करना है तो इसका भी आप कर सकते हो। जहाँ पर आपको राउंड सर्कल देखने को मिल रहा है उन सभी क्लॉक्स के आप कलर्स को चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे कि इस क्लॉक का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेनबो कलर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर फिर से आपको टैप करना है, यहाँ पर स्वाइप करोगे तो आपको रेनबो कलर देखने को मिल जाता है। इस तरह से आप अपने इन कलर्स को चेंज कर सकते हो iOS 17 के लॉक स्क्रीन मोड में। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये कलर्स आपको चेंज करने की ऑप्शन देखने को मिलती है। जैसे ही यहाँ पर डन पे टैप करोगे आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। जो भी आपने टाइमर सेट करा होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अलार्म की ऑप्शन भी देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको अपने विजेट्स को ऐड करना है तो वो भी आप विजेट्स ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से। बस आपको यहाँ पर सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे कि हम होम स्क्रीन के ऊपर अपने विजेट्स को अप्लाई करते हैं, सेम मेथड आपको यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यही सेम विजेट्स हैं। प्लस के बटन पे टैप करो और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी विजेट सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, अगर आपको फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। इस तरह से आप अपने स्टैंड बाय मोड को कस्टमाइज़ कर सकते हो iOS 17 के इस नए अपडेट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।